अकोला स्थानिक अलहुदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी शाखा अकोला द्वारा संचालित डॉक्टर इकबाल उर्दू प्राथ शाला ताजनगर में पूर्व प्राथमिक के लिए नर्सरी में दाखिलों के लिए 5, 6 और 7 जून 2024 को कूपन वितरित किए गए थे। पालकों के सामने कूपन बॉक्स सील किए गए थे। 8 जून 2024 शनिवार को उसे सिलसिले की अगली कड़ी लकी ड्रॉ के लिए सुबह 10 बजे से पालकों के सामने सील खुलकर चिट्ठियां उठाई गई। सबसे पहले लड़कों के कूपन का लकी ड्रॉ हुआ और फिर लड़कियों के कूपन उठाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत अल्ताफ हुसैन सर ने पवित्र कुरान की तिलावत से की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पालकों को नियम समझाए गए। कूपन बॉक्स की सील शाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अहमद उरुस खान ने खोली और प्रथम कूपन उठाकर लकी ड्रॉ खेला। लड़कों का लकी ड्रॉ समाप्त होने पर शाला समिति के अध्यक्ष ने अपने भाषण में शिक्षा के हवाले से मार्गदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय के भाषण के बाद लड़कियों के कूपन का सिलसिला शुरू हुआ। लड़कों के लिए 40 और लड़कियों के लिए 40 ऐसे कुल मिलाकर 80 कूपन उठाए गए थे। 80 कूपन उठाने के बाद कार्यक्रम समाप्त किया गया। जिनके कूपन उठे उन्हीं के बच्चों को दाखिला देने का वचन दिया गया। लड़कों के कूपन के ऐलानात नफीस खान सर ने किए और लड़कियों के कूपन के ऐलानात मोहम्मद इरफान खान सर ने किए। पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी और नियोजन मुख्याध्यापक मोहम्मद अतीक और रहमान सर की निगरानी में शेख सलीम सर ने निभाई। इस अवसर पर शाला समिति ख्वाजा निजामुद्दीन इंजीनियर उपाध्यक्ष रियाज अहमद खान सचिव शहजाद अनवर सदस्य प्रमुख अतिथि हामिद हुसैन माजी अध्यक्ष महमूद उस्मान WPI मोहम्मद फजलू पहलवान माजी नगर सेवक अफसर कुरैशी समाज सेवक मोहम्मद इकराम आदर्श शिक्षक ZP डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक अहमद हसन मुख्याध्यापक मुस्लिम हाई स्कूल अकोला सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षकेतर कर्मचारी पालकों के सामने उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करने की जिम्मेदारी मोहम्मद मुजाहिद खान सर ने निभाई है। एहरार खान सर ने इंतजाम की निगरानी करते हुए चेरीकरण किया। NBC न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।